या संयोग की बात है कि विगत माह में ही इस देश के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार दूसरी बार बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने सभापति वर्ष में साहित्य जगत में पूरी देश के अनेक विभूतियों को सम्मानित कर रहा है। यह हम सबको लिए अत्यंत गर्व एवं मैं इस सम्मान समारोह में आए हुए सभी अतिथियों को साहित्यकारों को हृदय से शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। कोई भी प्रशासक किसी देश पर राज करने के लिए सबसे पहले उस देश की भाषा को राष्ट्रभाषा को समाप्त करने का प्रयास करता है और इस कारण है इतिहास इस बात का साक्षी है कि विदेशी शासकों ने भारत को शासन करने के लिए समय समय पर हिंदी को दरकिनारे करने का प्रयास किया है और उसे नष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे भारत में सदियों तक मुगलों का प्रशासन रहा, मुगलों ने हिंदी को दरकिनारे करने का प्रयास किया और उर्दू को ढाल आ गया। इसलिए भारतवर्ष में मुगलों के राज में हिंदी बहुत दूर चला गया और मुगलों के राज में उर्दू का प्रचलन ज़्यादा हुआ। इसलिए उर्दू में सारे पुस्तकें लिखी गई, कोर्स में भी लाया गया और इतना ही नहीं कोर्ट और कचहरी में भी उर्दू का लाया गया। आपको याद होगा कि पहले जो भी खेती बाड़ी का काम होता था, लेन देन बिक्री का, तब उसको भी उर्दू भाषा में ही लिखा जाता था। रजिस्ट्री कराने जाइए तो आप उर्दू में ही करता था, हिंदी को लूप करने का प्रयास किया गया था। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी यहाँ 200 वर्षों तक राज किया, अंग्रेजों ने भी हिंदी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाया और कोशिश किया कि पूरे भारत में अंग्रेजी चलेगा और इसको भी भारतीय लोग अपमानने का प्रयास किया। मैं अंग्रेजी के लोगों से इस बात को सोचिए, हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए था, उसको धीरे धीरे ख़त्म करना चाहिए। उर्दू प्रशासक हो या अंग्रेजी प्रशासक, ये सब लोगों ने हिंदी को ही दमन किया। इसलिए हिंदी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर समाज की स्थापना की। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को अंग्रेजी से हिंदी में भाषण किया और अपनी भाषा को भी हिंदी में भाषण देना शुरू किया, जिससे भारत भर के लोगों में एक नई चेतना जागी और हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता आई। उन्होंने हिंदी में देने का स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश को भी अंग्रेजी से हिंदी में लिखा और इसके चलते आज समाज का मूल जो पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है, वो भी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में हिंदी में छा गया। इसलिए 14 सितंबर 2049 को महापुरुषों के प्रयास से ही भारतीय संविधान में भी राष्ट्रभाषा का दर्जा, भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। आधुनिक काल के हिंदी कवियों ने, साहित्यकारों ने, उपन्यासकारों ने, राष्ट्रकवि दिनकर जी ने हिंदी को बचाने का